हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन आर चैनल विनू डायरीज। आज हम बात करेंगे बहुएं कैसी कैसी होती हैं। आज की वीडियो में मैं आपको पांच तरह की बहुओं की कैटेगरी बताऊंगी कि बहू ऐसे होती है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर जरूर करेगा, और नए हैं चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। पहली कैटेगरी उन बहुओं की होती है जो जॉब करती हैं। देखिए, कुछ महिलाएं जॉब करती हैं, अपने इन लॉज को साथ में तो रखती हैं, लेकिन बस चाहती है कि वो बस बच्चे को संभाले, घर में किसी भी तरह का कोई इंटरफेयर ना करे। आए तो अपने कमरे में बहू चली जाए, बाद में फिर वो क्या करती है, कैसे करती है, मतलब किसी भी तरह की टोका टाकी नहीं। वे जो बनाती है तो खाए, नहीं बनाती अगर काम वाली रखी है तो काम वाली जो बनाती है वही खाए। मतलब सास ससुर को ऐसा रखा जाता है कि बस वो बच्चे के लिए ही रखे हुए उन्होंने। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बस ऐसे ही कि वो किसी भी तरह का कोई इंटरफेयर उनका नहीं चाहती, ना उनका कोई काम पसंद करती हैं। वे बच्चों को संभालते हैं, और अगर बच्चे को कहीं चोट लग जाए, हल्का सा गिर भी जाता है, बच्चा है गिर जाता है, तो वो तुरंत से बोलेंगे आपने ध्यान नहीं रखा, आप करते क्या हैं, आपको काम ही क्या है। मतलब अपनी जॉब का वो रोब दिखाती रहती है। वो बस इस रोब में रहती है कि मैं अच्छी फैमिली से हूँ, या तो उनको ये रोब रहता है, या फिर वो ये रोब दिखाती है कि मैं जॉब करती हूँ, मैं बहुत बड़ी हूँ, मैं तुम्हें जो साथ में रखती हूँ तुम पर एक एहसान करती हूँ। वो अपने इन लोज को एहसान में रखती हैं, और बाहर भी यही बोलती हैं सभी से कि मम्मी पापा करते क्या है, फ्री तो रहते हैं, बच्चे की संभालने की जिम्मेदारी दी हुई है उसको भी ठीक से नहीं करते। ऐसी होती है। दूसरी कैटेगरी में वे बहुएं आती हैं जो जॉब भी करती हैं और अपने परिवार का ध्यान भी रखती हैं, और अगर वो जॉब नहीं भी करती तो भी वो अपने परिवार का ध्यान रखती हैं। जैसे आपने भी कितनी बार देखा होगा, बहुत सी बार महिलाएं जॉब पे जाती हैं, जैसे 7 बजे 8 बजे निकलती हैं, तो वो अपने परिवार के लिए, अपने लोज के लिए, अपने बच्चे हैं तो बच्चों के लिए सब्जी बना के जाती हैं, आटा लगा के जाती हैं, ताकि मम्मी पापा को कोई प्रॉब्लम ना हो। मतलब वो अपने पेरेंट्स की तरह ही अपने लोज का भी ध्यान रखती हैं, इनको कोई परेशानी ना हो। फिर जब वो शाम को घर आती हैं तो जितना उनसे हो पड़ता है वो अपनी सास का हाथ भी बटाती हैं, नहीं तो वो काम वाली रखती हैं। ऐसे नहीं कि वो अपने इन लोज को इसलिए रखे हुए हैं कि वे काम करें, बच्चे को संभालें, नहीं, उन्होंने अपने परिवार के लिए अपने इन लोज को रखा है, क्योंकि उनको परिवार की अहमियत पता है कि अगर सब साथ में रहते हैं तभी परिवार कहलाता है। वो एक आदर्श बहू होती है, चाहे वो जॉब करती है नहीं करती है, लेकिन वो अपने परिवार को पूरा समय देती है। साथ में शॉपिंग करते हैं, साथ में बैठ के खाना खाते हैं, एक दूसरे से बातें भी करते हैं, मतलब पूरा पूरा जहाँ पर ध्यान दिया जाता है। तीसरी तरह की वो बहुएं होती हैं जो किसी भी तरह अपने इन लोज के साथ रहना नहीं चाहती, चाहे इन लोज अच्छे हैं नहीं अच्छे हैं, चाहे उनका पति अच्छे कमाते हैं नहीं कमाते, लेकिन उन्हें उनके साथ रहना ही नहीं है, उन्हें अलग से ही रहना है। जब तक सास ससुर के साथ रहेंगी वो परेशान रहती हैं, या तो अपने मायके में रहती हैं, या फिर अगर वो ससुराल में भी रहते हैं तो लड़ाई झगड़े होते हैं, मतलब किसी भी तरह से वो उनके साथ रहना नहीं चाहती। और जब वो बाहर चले जाते हैं, अगर गलती से इन लोज कभी 1-2 दिन के लिए उनके पास आ जाए, तो उनकी उस दौरान ना तो बीमारी ठीक होती है और ना घर के लड़ाई झगड़े ठीक होते हैं। वे ऐसा दिखाती है कि मेरे तो हेडेक है, बहुत तेज सर में दर्द है, मुझसे आज खाना नहीं बनेगा, आज तो घर में खिचड़ी बनेगी। जबकि पता है कि पेरेंट्स घर में आए हैं, लोग घर में आए हैं, कुछ अच्छा बनाए 1-2 दिन के लिए आते हैं, लेकिन नहीं, आज तो घर में खिचड़ी ही बनेगी, और आज ही नहीं, 1-2 दिन तक जब तक वे रहेंगे घर में ऐसा ही खाना बनेगा। बच्चों की पिटाई, हस्बैंड के साथ झगड़ा करना, मतलब किसी भी तरह से इन लोग को नहीं चाहती कि वो घर में आ जाए, परेशान रहती है। और अपने मायके वाले जब आते हैं तो पार्टियां होती हैं, वो खुश हो जाती हैं, अच्छे से उनके साथ एडजस्ट करती हैं, रहती हैं, और चाहती हैं कि पति भी ऐसे ही रहे, मेरे ही परिवार का करें, मैं उनके परिवार का ना करूं, मुझे अपने लोग से कोई मतलब नहीं, किसी भी फैमिली के मेंबर से कोई मतलब नहीं है पति की, लेकिन मेरे पति मेरी फैमिली का बहुत करें, मेरे मायके वालों का बहुत करें, वहाँ की मौसी मामा चाचा ताऊ जो भी आए पत्नी के सबकी रिस्पेक्ट होती है। लेकिन जब ससुराल से कोई आता है तो भाई उनके घर के लड़ाई झगड़े, पैसों की आर्थिक तंगी दिखाती है, हमारे पास पैसे नहीं है, मतलब इस तरह की होती है। जहाँ पर वो अपने दिखाती है कि वो अपने मायके से कैसे संस्कार लेके आई है, जहाँ पर उनके संस्कारों पर उंगली उठाई जाती है, इस तरह की बहुएं होती हैं। अब जानते हैं चौथी तरह की बहू। चौथी तरह की बहू ऐसी होती है कि रहती तो परिवार के साथ ही है,
रहती तो अपने लोज के साथ ही है, लेकिन खटपट होती रहती है। देखिए, अगर बेटा माँ का करता है तो बहू बोलती है कि तुम तो माँ की सुनते हो, और अगर बेटा बहू का करता है तो माँ बोलती है कि तुम तो बहू की सुनते हो। मतलब इन बहू और सास के बीच में बेटा बीच में पिसता रहता है, ना वो माँ की बोल पाता ना वो बहू की बोल पाता है। ऐसी बहुएं होती हैं जो रहती तो परिवार के साथ है, लेकिन चाहती है कि उनका चले, चाहती है कि सास भी मेरी माने, सब लोग मेरी माने, और वहीं पर सास भी चाहती है कि बहू मेरी माने। मतलब दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, लेकिन रहते वो साथ में है। देखा होगा ना आपने, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं कहीं कहीं पर, सास के और बहू के बहुत झगड़े होते हैं, या सास के अपने जो भी ससुराल वाले होते हैं उन लोगों के साथ नहीं बनती, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, इस तरह की बहुएं होती। अब जानते हैं पाँचवीं तरह की बहुएं। देखिए, पांचवी तरह की बहुएं ऐसी होती हैं जो अपने इन-लॉज के लिए, अपने परिवार के लिए अपना जीवन समर्पित कर देती हैं, पूरा दिन उनकी सेवा में लगी रहती हैं, जो उनसे बन पड़ता है वो काम करती रहती हैं, परिवार वाले उनको ताने मारते रहते हैं, कुछ कुछ सुनाते रहते हैं, लेकिन वो अपना निस्वार्थ भाव से काम करती रहती हैं। आपने भी देखा होगा कितनी बार होते हैं ना लड़कियां की सुनाती रहते हैं, उनकी खरी खोटी उनकी सास परिवार के लोग सुनाते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो पूरा दिन काम करती रहती है। हम भी देखते हैं ना कि अरे ये कैसे काम करती रहती है। वे होती है जो अपने लिए भी नहीं, उनका कोई भी किसी तरह का स्वार्थ नहीं होता, बस वो निस्वार्थ भाव से सेवा करती है। ऐसी बहुएं होती है जिनको हम सीधी साधी बहू कह देते हैं, कि बहुत सीधी है तो कुछ भी नहीं जानती है, वे बहुएं होती हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, पसंद आए, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर जरूर करिएगा। नए हैं चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।